तो क्या आप भी हाई प्रोटीन स्प्राउट्स रेसिपी बनाना चाहते हो, जिससे कि आपको अपने मसल बिल्डिंग और फिटनेस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी? तो ये वीडियो आपके लिए छोटी सी वीडियो होगी। इसमें मैं जल्दी से बताऊंगा आपको स्प्राउट्स की एक रेसिपी जिसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और 20-15 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाएगी, जिससे आप अच्छा मसल बिल्ड कर पाओगे और आपको बहुत अच्छी प्रोटीन मिलेगी और साथ ही साथ आपको अच्छी कैलोरीज, गुड फैट्स भी मिलेंगे। बनाते हैं, छोटी सी रेसिपी है, जल्दी से बनाएंगे और वीडियो ख़त्म करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में सारे इसके मैक्रोज वगैरह सब कुछ डालूंगा, इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैक्रोज सब कुछ डालूंगा। और वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट कर देना मेरे को, तुम्हारे कमेंट से मोटिवेशन मिलती है। तो पहले हम स्प्राउट्स लेंगे, जैसे ये चने हैं, ठीक है, इनको पानी में भिगोना है, जैसे आपको पता ही होगा पानी में भिगोना है। और ये सोयाबीन है, ठीक है, तो इसको पानी में भिगोना है। आप एक दिन पहले, 2 दिन पहले पानी में भिगो के रख सकते हो, एक दिन में भी काम चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिन का पानी निकाल देना सारा। तो गाइस, आपको एक कढ़ाई या तो पैन लेना है, उसमें आपको आधा चम्मच घी डालना है। मैं किचन में कम आता हूँ तो थोड़ा मैं नूब हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। घी गर्म होने के बाद आप जीरा डाल देना इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, जल्दी से बनाएंगे हम। और जीरा पाउडर अगर है तो डाल लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हो गई सबके घर पे। इतना सा तो अब हम स्प्राउट्स डाल देंगे इसके अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने ग्राम ये सोयाबीन्स और चना थे जिसको हम स्प्राउट्स बोलते हैं। तो ये देखो, 50 ग्राम सोयाबीन और 50 ग्राम बिना पानी में भिगोए और 50 ग्राम चना था, ठीक है, उसको भिगोया था मैंने 1-2 दिन पहले पानी में, ठीक है। तो तभी बोल रहा हूँ मैं, वीडियो को एंड तक देखना, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा कि कितने ग्राम क्या चीज़ है और उसके मैक्रोज वगैरह सारे। इसमें अच्छी खासी प्रोटीन 40 से 50 ग्राम मिल जाएगी आपको, जो एक मील में बहुत ज़्यादा होती है। अगर जब ये इतना हो जाए तो बस गैस बंद कर देना। तो इसको बनाने के लिए हमको चाहिए एक खीरा, प्याज और मिर्च अगर आप डालना चाहो तो, एक उबला हुआ आलू, ये उबला हुआ नहीं है, ठीक है, उबला हुआ आलू छोटा सा जितना मर्जी तुम लेना चाहो, और एक टमाटर और पनीर जो कि 50 ग्राम है। इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया एंड में मेंशन करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखो, सारे बताऊंगा। अभी 50 ग्राम है तो ये सारे मैं कट करके मिलता हूँ और उबला हुआ आलू काट के मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस, अब हम डालेंगे इसमें प्याज, ठीक है, और उसके बाद ये खीरा है और उबले हुए आलू है इसके नीचे, और मैंने ये मिर्च भी काटी थी, ठीक है, और ये आलू, ठीक है। तो ये भी मैं बताऊंगा कितने ग्राम है, ये सारी चीज़ें डाल देना। इसके बाद डालेंगे हम इसमें पनीर रॉ कच्चा, और उसके बाद डालेंगे टमाटर, ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको एक लेमन काट लेना उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद लेमन डाल देना ऊपर से। लास्ट में आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेना इसमें, ठीक है। नो, अच्छी बनी है, बस इसको अब ठंडा कर देना, फिर ठंडा करने के बाद खाना, गर्म नहीं खाना है। और अब आप बोलोगे ये इतनी सारी बन गई तो ये एक मील कैसे ही? तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको सुबह बना सकते हो और 2 मील करके खा सकते हो, जैसे एक बार सुबह और एक बार रात को, ऐसे करके खा सकते हो। या फिर अगर रात को बना रहे हो, शाम को बना रहे हो, एक बार शाम को खा लेना, फिर एक बार अगर शाम को जिम जाते हो तो उसके बाद भी खा सकते हो। तो ये 2 मील में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको एक बॉल में निकाल लेना, जो कि मैं निकाल कम रहा हूँ और खा ज़्यादा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई है। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम बनाई और मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी बन जाएगी, पर अच्छी बन गई है काफ़ी। तुम ट्राई करना और कमेंट करके बताना कैसी बनी है। ये है हमारी स्प्राउट्स की हाई प्रोटीन रेसिपी, जिसके बहुत अच्छी है, मैं बार बार खाया जा रहा हूँ, ठीक है। तो जिसके इंग्रेडिएंट्स और मैक्रोज आपकी स्क्रीन पे, कितने ग्राम क्या डाला है वो सब कुछ इस साइड, और कितने प्रोटीन फैट्स फाइबर्स हमको मिले हैं वो इस साइड, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी और वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस। और ऐसे ही कमेंट कमेंट करो कि आपको और क्या देखना है भाई से, जिससे
कि मैं आपकी हेल्प करूँ आगे जाके और वीडियो बनाऊँ उसके ऊपर। ऐसा ही मैं अच्छा बना, कसम से मेरे को लगा नहीं था इतना अच्छा बनेगा। ठीक है, इन्जॉय द मील। और आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा है, पर मुझे लगता है अगर आप पहली बार बनाओगे तो शायद पूरा ही खा लोगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें दो मील में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम एक बारी में ही खा लोगे, जैसे कि मैंने खा दिया। तो आई होप ये टेस्टी स्प्राउट रेसिपी आपको और हाई प्रोटीन आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।